आशीर्वाद और जो समर्थन दिखाया है इसके प्रति आप सब लोगों का हम आभार प्रकट करते हैं। सबसे पहले यहाँ के जो भूतपूर्व विधायक मेवालाल चौधरी जी का जो कोरोना के चलते जो देहांत हुआ को लेकर के हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और साथ ही साथ आप सब लोगों से हम अपील करते हैं कि उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव लगभग 4 साल कार्यकाल बाकी और यहाँ से हमारे प्रत्याशी आदरणीय लालू जी ने जयप्रकाश जी ने लालटेन थमाने का काम किया है अरुण शाह जी के हाथों और हम लोग सब लोगों को मिलकर के एक आदमी को छूटना नहीं है इसमें सब लोग गोलबंद हो जाएंगे और लालटेन छाप पर बटन दबा करके अरुण शाह जी को विजय बनाइए और लालू जी के हाथ को मजबूत करने का काम। कुछ हम कहेंगे नहीं, संजय जी भी उम्मीदवार हो गए आप बोले भाई सब लोग को एक होना है, हम लोग का दूसरा लड़ाई है, अब लड़ाई लड़ना है तो जब तक हम लोग गोलबंद नहीं होंगे तब तक लड़ाई जीतेंगे कैसे? बटिएगा लड़िएगा आपस में तो काम तो चलना नहीं है। अरे भाई कोनो मेरा और आपका सवाल नहीं, ये सवाल बिहार के 12 करोड़ जनता का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है, बिहार के विकास का सवाल है। इसलिए आप सब लोग एक होइए और अपना नामांकन जो है वापस लीजिए और इन्होंने इनको भी आभार प्रकट करते कि इन्होंने नामांकन जो है वापस लिया। और हमारे साथी जसीम, कहाँ जसीम जी? हाँ इधर है सर, इधर ये भी खड़े हो गए थे। भाई आप लोग सब लोग खड़े मत होइए, आपको गरीब का राज बांध बनाना है, बेईमानों का सरकार उखाड़ के फेंकना है। जसीम साहब भी नामांकन वापस ले, तो हम यही कहे आपके निहाल साहब है रफीगंज के विधायक है, सब लोग हम लोग जो है आए हुए, जयप्रकाश जी साथ में है, सब लोग अरुण शाह जी को विजय बनाने के लिए। तो आप लोगों से हम उम्मीद करके जाए ना कि यहाँ से पूरा पंचायत से आपको मीटिंग कराइएगा, हाथ उठा करके बता कर धन्यवाद देते हैं और जसीम साहब का संजय जी का धन्यवाद देते हैं। तो देखिए यही अरुण शाह जी है जिनको विजय का माला पहनवा देंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।